आजादी के बाद मूलभूत सुविधा को तरस रहे हैं ग्रामीण। यहाँ एक और जिले में पातालकोट भरिया के विकास के लिए करोड़ों रुपए आए, किंतु तामिया जनपद परिषद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत घटलिंगा का गांव सोपा टिया में आज भी शुद्ध पानी व सड़क के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण। यहाँ पीने के पानी के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। यहाँ के लोग आज भी पीला गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। तो समस्या ये सर कि हमारे आने जाने का व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। पहाड़ी उतर के 4-5 किलोमीटर उतर के घटलिंगा जाते हैं तो घटलिंगा पहुंचने में 6 किलोमीटर आसपास पड़ जाता है। जैसे 17 फरवरी को 2 बजे दिन को कुआं धसक गया सर, तो उसी समय हमने यहीं थे। फिर हम 3-4 दिन के बाद घटलिंगा पंचायत में गए, वहाँ सचिव सरपंच की जानकारी दिए, तो हाँ कल परसों आ रहे हैं हम अभी देखने के लिए। सोपटिया गांव में 250 भरिया आदिवासी निवास करते हैं। इन भरियाओं के पास मूलभूत सुविधा आज तक नहीं पहुंच पाती। पीने के पानी के लिए नाले में झीर खोद कर अपना काम चलाते देखा जा रहा है। इस गांव में मात्र एक कुआं था, वह भी खिसल जाने की वजह से दोबारा पंचायत ने बनाने का प्रयास नहीं किया। वो वजन रख के लाते हैं, उसके बाद यहाँ पानी पीने का भी साधन नहीं है। अभी कुआं भसक गया 17 फरवरी को, तो वो कुआं भसक गया, वहाँ पंचायत में गए, कोई जानकारी नहीं मिला। वो ये बोलेंगे कि बोले कि हम 2-3 दिन बाद आ रहे हैं, तो अभी तक नहीं आया। अभी 1 जून लग गया और फिर झिरिया खोद के हम पानी पी रहे हैं, और सरपंच सचिव आज तक नहीं आए। और समझो अभी तक देखने, अभी ये जुलाई लग जाएगा तो ऊपर से पानी जो, फिर तो हम वो गंदे ही पानी पियेंगे। घटलिंगा का गांव सोपटिया ढाणे के लोग बीमार होने पर वाहन भी गांव में नहीं पहुंच पाता। बीमार होने पर यहां के लोग डोली बनाकर 6 किलोमीटर के सफर तय कर घटलिंगा या देलाखारी या तामिया पहुंचना पड़ता है। यहां के लोगों को राशन लेने घटलिंगा सोसाइटी आना पड़ता है, जिससे इन्हें दिन भर का समय लग जाता। सबसे बड़ी जानकारी यह है कि यहां के आंगनवाड़ी के बच्चे को भी 6 किलोमीटर जंगल पार कर आंगनवाड़ी पहुंचते हैं। में और कमी आ जाती है, अभी तो पी तो सकते हैं, नहा भी सकते हैं, लेकिन वो पानी की समस्या वहाँ तक आबे तक चल जाएगी, बरसात में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि नदी के अंदर है और ये कुआं बन जाती तो अच्छा रहता। ये हमारे ग्राम के सभी पंच भाई जोड़ करके 1-2 रुपया जोड़े, कुछ जोड़े और कुछ निर्दलीय में काम किए, उनमें बड़े पत्थरों को ठोक बजा कर निकाल दिए और वहाँ तक मोटरसाइकिल की आवाजाही के साधन तो कर दिए, लेकिन मोटरसाइकिल भी क्या है, तेल रहे जाए नहीं है तो पड़ गाड़ी में जाना पड़ता है। और यहाँ के जो कार्यक्रम होता है सर जी, जैसे शादी ब्याह है और भी समाज सामाजिक काम के लिए वजन भाड़ा लाने ले जाने। घटलिंगा के इस गांव में अधिकतर भरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, किंतु शासनिक सुविधाओं से हमेशा ये वंचित रहते हैं। यहाँ तक कि शासनिक अधिकारी भी इस गांव में जाने पर कतराते हैं। इस गांव में जंगल व कच्चे मार्ग के साथ ऊंची पहाड़ियों को पार करना पड़ता है। यहाँ के लोग कई पीढ़ियों से इन मुसीबतों से जूझ रहे हैं, अब तक शासन का ध्यान इस ओर नहीं गया। कढ़ाना है ये सोपटिया, और यहाँ हम बहुत पुराने से बसीकत हो चुका है सर, बहुत पुराने, हम जानते नहीं कब हुआ है कब नहीं। हमारे को तो पुराने आजा दादा बाबा यहीं छोड़ गए, तो यहीं समस्या हम गुजार रहे हैं। बहुत समझे पुराने से कुएं था, लेकिन पंचायत द्वारा एक बार बना चुके थे वो कुएं को भी, लेकिन वो कुएं ऐसा भसका सर, तो बिना पानी का जैसा पूरा भसक गया, और पानी पीने का बहुत आपत्ति है हमरे को। मैं तो सर वो जानता नहीं वो महीने का नाम, लेकिन समझो वो भसका बस यही जान रहा हूँ मैं। अभी पानी कहाँ पे पी रहे हैं? पानी अभी झिरिया से पी रहे हैं सर, वो झिरिया में छोटी सी झिरिया बना। बीमार पड़ते हैं, बहुत मुसीबत पड़ता है सर, बीमार पड़ते हैं तो कुछ तो खंधे में ले जाना पड़ता है सर, और नहीं तो फिर डोला बनाते हैं सर, कपड़े का डोला बना के 2-2, 3-3, 4-4 आदमी डोला से खंधे से लेकर के यहाँ से आंगनवाड़ी आपके गाँव। इसी मामले में घटलिंगा के पंचायत सचिव वहीद खान से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ वन विभाग का जंगल होने की वजह से सड़क नहीं बन पा रही है, साथ ही
सार्वजनिक कुआं का प्रस्ताव पास हो चुका है, किंतु मार्ग नहीं होने की वजह से सामग्री गांव में नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से विकास कार्यों में परेशानी हो रही है। देखिए, ग्राम पंचायत से जो है वहाँ पे ग्राम सोपटिया में व्यवस्था बनाई गई है, वहाँ पे निर्मलीर सेंक्शन है वहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर ये आ रही है कि मटेरियल पहुँचाने की आ रही है। पहाड़ी के ऊपर ऊपर गांव बसा हुआ है, वहाँ के लोगों से भी हमने बोला भाई किसी भी तरीके से आप लोग मेहनत कर लो, सामग्री हम दे रहे हैं और वहाँ पे काम चालू कर देते, लेकिन वो लोग उसके लिए भी तैयार नहीं है। अगर वो लोग तैयार हो जाते हैं तो ग्राम पंचायत से तो सेंक्शन है, जियोटैग भर करना है उसका। अगर वो लोग तैयार हो जाते हैं जियोटैग करके उसको वहाँ पे काम लगा दे रहे हैं। अच्छा, सड़क का क्या मामला है वहाँ पे? सर, सड़क का वहाँ पे मामला ये है, वहाँ पे ग्राम पंचायत जो सड़क जो है वहाँ पे गुड़ी छतरी से लेके सोपटिया तक पूरा फॉरेस्ट लैंड है वो, और वन विभाग की भूमि में ग्राम पंचायत जो है वो काम नहीं करा सकती, और अगर ग्राम पंचायत उसमें काम कराना चाहती है तो फॉरेस्ट वाले उसमें आपत्ति लगा देते हैं। अगर